Hello everyone, welcome back to the platform of Success Plus Academy. This is Purvija, your biology mentor, and we have done with plant tissue and animal tissue. After completing tissue, we are going to talk about the most important topic of biology, which is human physiology. और हिंदी में इसे मानव कार्यकी कहते हैं. देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है ये वाला पोर्शन. ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने में और काफी अच्छा लगेगा आपको ये टॉपिक पढ़ के. तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इस यूनिट में जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव कार्यकी. इसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं. वैसे जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, पूरे सिलेबस का ओवरव्यू दिया था, उस वीडियो में मैंने बताई थी सारी चीजें, बट स्टिल आप एक बार देख लीजिए. इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र. उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र. उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र. इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र. इसके बाद नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र. इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे. और नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र. ठीक है, तो ये सारे जो सीक्वेंस है इस तरह से चलने वाला है. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता कैसा है. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता कैसा है और इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज डाइजेशन. सिस्टम पे तो पहले जाएंगे, बाद में जाएंगे, सॉरी पहले जाएंगे नहीं बाद में जाएंगे. पहले तो यही बात कर लेते हैं कि डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन यानी कि पाचन. देखिए, डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या है, हम फूड किस फॉर्म में इंटेक कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स. और थ्री मेजर बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. ठीक है, वसा है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे थ्री मेजर फ्यूल कंपोनेंट्स हैं. फ्यूल कंपोनेंट्स यानी जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब अलग है, ये सब ट्रेस एलिमेंट है, मतलब हमको थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए. लेकिन मेजरली एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा अपटेक अपन किसका करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का. ठीक है, चलिए, तो बायोमोलिक्यूल्स जो है आप किस फॉर्म में इंटेक कर रहे हो. बायोमोलिक्यूल्स को आप उसको उसकी जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, सबसे लार्ज फॉर्म है, उस फॉर्म में इंटेक कर रहे हो. लेकिन क्या उसी फॉर्म में आपकी सेल्स भी उन बायोमोलिक्यूल्स को इंटेक कर सकती है, तो इसका आंसर होगा नहीं. हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इन मॉलिक्यूल्स को इनकी जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसमें इंटेक करते हैं.
कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम क्या कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मतलब इनकी सबसे बड़ी फॉर्म है, ठीक है। पर इसी फॉर्म में हमारी सेल्स इनको इनटेक नहीं कर सकती, और अल्टीमेटली हम खाना खाते क्यों है, क्योंकि हमें उससे एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हमें इस तरह एनर्जी नहीं बनानी होती तो शायद ऐसा कोई प्रोसीजर बना ही नहीं होता खाना खाने वाला, ठीक है। मगर टाइम टू टाइम हमें फीड करना होता है क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी बनती कहाँ है, ये एनर्जी बनती है हमारी सेल्स के अंदर। ये हमारी सेल है, इसी के अंदर एक ऑर्गेनली होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। यहां एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब आप समझ रहे हो कि सेल कितनी छोटी है, और इतनी स्मॉल यूनिट के अंदर आप ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कैसे इसके अंदर डाल सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हुए, उनमें जरूरत पड़ी एक ऐसे वेल डेवलप्ड सिस्टम की जो इस लार्ज मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो फूड के इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दे, ठीक है। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स को या कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में तोड़ दिया जाए, सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाए, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाए, ताकि वो हर एक सेल तक पहुंच सके, ताकि वो हमारी बॉडी की हर एक सेल तक जा सके, और वहां पे जाकर के किसका प्रोडक्शन कर सके, एनर्जी का। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने तोड़ा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर सकता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉल यूनिट है, सबसे छोटी फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। तो ये सेल के अंदर आराम से एंटर कर सकता है, और फिर इससे हम क्या बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। तो इन सारी बातों से क्या समझ में आया, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्ज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर सिंपल फॉर्म और माइक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्लियर, समझ में आई डाइजेशन की डेफिनेशन। इस तरह फ्लो चार्ट बना के हमने पढ़ी है ताकि अच्छे से क्लियर हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें। तो ये तो हुआ डाइजेशन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, ऐसे ऑर्गन्स एक साथ आ गए जो ये काम कर सकते थे, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स साथ में आए और उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया, उन्होंने फॉर्मेशन किया डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी पाचन तंत्र का। अब पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस वाइज, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव कैनाल, इसको हिंदी में कहते हैं आहार नाल। और इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 8 मीटर्स होती है। देखते हैं, सबसे फर्स्ट है माउथ, सबसे पहला ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल का माउथ। माउथ किसके अंदर ओपन होता है, माउथ ओपन होता है बकल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है। माउथ किस में ओपन होता है, बकल कैविटी में। बकल कैविटी किस में ओपन होती है, फेरिंग्स। क्लियर, माउथ इसमें ओपन हुआ बकल कैविटी में, बकल कैविटी फेरिंग्स में खुल गई। फेरिंग्स किस में खुला, ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी आहार नाल या फिर फूड पाइप, जिसमें से खाना पास होगा। ईसोफेगस किसमें खुली, स्टमक।
स्टमक किसमें खुला? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें खुली? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लास्ट पोर्शन है दैट इज एनस। ठीक है, तो ये होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ भी एक ओपनिंग है और एनस भी एक ओपनिंग है। माउथ से स्टार्ट होके एनस पे जो है वो एंड हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम, ये तो थे मेजर ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके कुछ एसेसरी ऑर्गन्स या ऐसे कह सकते हैं हम हेल्पर ऑर्गन्स भी हैं, सहायक अंग जो खाने को पचाने में इन सारे ऑर्गन्स की मदद करेंगे। ठीक है, तो एसेसरी ऑर्गन्स देख लेते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स इसमें आ जाएगी सलाइवरी ग्लैंड, और इसमें आ जाएगा टीथ एंड टंग, इसके बाद आ जाएगा इसमें पेनक्रियास, अग्न्याशय, नेक्स्ट आ जाएगा इसमें लिवर। ठीक है, लिवर यानी यकृत। तो सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां, टीथ, टंग, पेनक्रियास, लिवर, ये सब क्या है? एसेसरी ऑर्गन्स है जो इन मेजर ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। कैसे हेल्प करते हैं, इन ऑर्गन्स का काम क्या होता है, ये ऑर्गन कहाँ सिचुएटेड है, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो मैंने ये मेजर ऑर्गन्स बनाए हैं और एसेसरी ऑर्गन्स हैं, इनकी लोकेशन देखते हैं हम किस तरह से होती है। यहां पे मैं डायग्राम बना रही हूं स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम का, कंप्लीट डायग्राम। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच आई विल रिप्रेजेंट ऑल दीज ऑर्गन्स। ओके, नॉट मच, इट विल टेक जस्ट 2 मिनट्स। ओके, तब तक आप ये चीजें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो हियर इज द अनदर ग्लैंड। यस, ओके, सो आई एम डन विथ द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लुक टू द डायग्राम। देखिए सबसे पहला ऑर्गन ये, ठीक है, ये जो ओपनिंग है आपको दिख रहा है। अब माउथ क्या है? माउथ जस्ट एक स्लिट लाइक अपर्चर है, खुला माउथ। मैं बोल रही हूं तो मुंह खुल रहा है ना, ठीक है, तो इट इज जस्ट स्लिट लाइक अपर्चर जहां से हम खाना इनटेक करते हैं, फूड इंजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या है? माउथ। तो ये जो ओपनिंग है जिसको अपर और लोअर लिप्स ने घेरा हुआ है, ठीक है, इसको माउथ कहते हैं। सो दिस इज माउथ। माउथ किसके अंदर ओपन हो रहा है? अंदर एक कैविटी है जहां पे तुम्हारे दांत हैं, जीभ है, ठीक है, गम्स है, जॉ है, और जहां पे हम खाना रखते हैं, खाना चबाते हैं, वो सारी चीजें जहां हो रही है। तो ये जो कैविटी है, ठीक है, माउथ के अंदर की जो कैविटी है उसको कहते हैं बकल कैविटी। और बकल कैविटी में क्या क्या चीजें होती है
उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए बकल कैविटी जो है वो ओपन हो रही है यहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। ज्यादा बड़ी उसकी लेंथ नहीं है, देखो बकल कैविटी फेरिंग्स में ओपन हो रही है तो ज्यादा बड़ी लेंथ नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा ही होता है, ये कप जैसी शेप का ऑर्गन होता है, बड़ा छोटा सा ऑर्गन है, इसको कहते हैं फेरिंग्स। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में एक रोल है जो आगे पढ़ेंगे। फेरिंग्स हो गया, यहां तुमने खाना रखा, ठीक है, खाना चबाया बकल कैविटी में, वहां से खाना जो था वो तुम्हारा मूव किया किसमें, फेरिंग्स में आ गया। फेरिंग्स से ये जो खाना है ये इस पाइप में जाएगा, ठीक है, ये जो लंबा सा पाइप आपको नजर आ रहा है, इस लंबे से पाइप में खाना जाएगा और इसे क्या बोल देंगे हम, फूड पाइप, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस या फूड पाइप। देखो फूड पाइप किसमें ओपन हो रहा है, ये जो बड़ा सा ऑर्गन है हमारा पेट, ठीक है, स्टमक, तो स्टमक के अंदर अब ये खाना था सपोज, ठीक है, ये यहां से चल चल के खाना आ गया स्टमक में आ गया, ठीक है। स्टमक में अब जो भी है डाइजेशन की प्रोसेस होगी अभी पढ़ेंगे आगे, तो वहां से ये फूड अब स्टमक से कहां पे एंटर करेगा, यहां पे, नॉट हेयर, यहां पे, ये अंदर जो मैंने कॉइल स्ट्रक्चर बनाए हैं और अंदर ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक कॉइल स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये खाना जाएगा किसके अंदर, ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बाहर वाला, देखो अंदर वाला स्ट्रक्चर तो हाईली कॉइल्ड है लेकिन जो ये बाहर वाली ट्यूब है ये इतनी कॉइल्ड नहीं है। इस बाहर वाली ट्यूब को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और इसका यहां पे लास्ट पोर्शन जो बल्ब लाइक लास्ट पोर्शन है इसका ये वाला, इसको कहते हैं रेक्टम, जो फीकल मैटर को स्टोर करता है, ठीक है, और रेक्टम की जो ओपनिंग है उसको कहते हैं एनस। लार्ज इंटेस्टाइन में ही यहां पे मैंने एक अलग सा पोर्शन बनाया है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। एग्जैक्टली ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन एक तरह से यहां से चालू हो गई थी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से शुरू हो गई थी और यहां पे ये इस तरह से आ रही है, फोल्डिंग्स आ रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ये जो यू आर्म बन रही है, एक यू के जैसी आर्म बन रही है, इसके बीच में एक लीफ लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ये वाला ऑर्गन, और इसको कहते हैं पैनक्रियास, क्लियर, इसको पैनक्रियास कहते हैं। स्टमक जो है उसके इस साइड पे, यानी स्टमक के राइट साइड पे, दिस इज राइट साइड, ये हमारी बॉडी का राइट साइड है और ये हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड पे स्टमक के एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं लिवर, लिवर। तो देखिए इस तरह से हमने पढ़ा कि पैनक्रियास और लिवर जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। लिवर में नीचे की तरफ यहां पे मैंने एक डार्क छोटा सा ऑर्गन बनाया है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, तो मैं यहां लिख सकती हूं कि गॉल ब्लैडर भी एसेसरी ऑर्गन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर हो गया, यहां आपके एलिमेंट्री कैनाल के मेजर ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स हो गए। इसकी लेंथ भी मैंने आपको बताई लगभग 8 मीटर लॉन्ग हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, 8 to 10 मीटर लॉन्ग, क्लियर, क्लियर। डाइजेस्टिव सिस्टम
का आपको एक जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। माउथ जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि माउथ में कुछ है नहीं ज्यादा, केवल एक स्लिट के जैसा अपर्चर है। अपर्चर यानी कि एक ओपनिंग जो खुल गया, तो आपने फिर क्या फूड वहां से अपनी बॉडी में इनटेक किया, इंजेस्ट किया। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बकल कैविटी। बकल कैविटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप चाहें तो इसका बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, बकल कैविटी क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बकल कैविटी। माउथ ओपन हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें टीथ है, दांत, जीभ और गम्स, जॉज, पैलेट, क्लियर। ये सारी चीजें हैं बकल कैविटी में, टीथ, टंग, गम्स, जॉज एंड पैलेट। अब आप खुद देखो, ये कुछ याद करने की बात है नहीं, ठीक है। आप अगर अपनी बॉडी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी को तो अगर आप अपनी बॉडी से कोरिलेट करके पढ़ते हो तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रटने की लगेगी जरूरत। कुछ कुछ टर्म्स ध्यान रखनी पड़ती है, बट इसके अलावा अदरवाइज ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप देखते हो ना, मुंह खोलते हो तो उसमें दांत नजर आते हैं, ठीक है, जीभ नजर आती है। अच्छा, तो दांत और जीभ तो हो गया। गम्स हमें पता ही है, इतने टूथपेस्ट के एड देखे हैं कि गम्स के बारे में तो अच्छे से पता ही है, ठीक है। सो गम्स जो है वो मस्क्यूलर ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं गम्स, जो टीथ को एक तरह से ढक के रख रहे हैं, ठीक है, कवर करके रख रहे हैं। जॉ क्या है, जॉ है ना वो अपर और लोअर, दो जॉ है हमारे बकल कैविटी में और ये बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, बोन का बना हुआ है जॉ, और जॉ के अंदर ही हमारे दांत फिक्स हो रखे हैं, लगे हुए टीथ, ठीक है। तो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि जॉ जो है वो इस तरह से बोनी सॉकेट उसमें प्रेजेंट है, ये पूरा जबड़ा है जॉ जिसमें हमारे दांत लगे हुए हैं, ठीक है। और इन दांतों को किसने कवर किया हुआ है, ये गम्स हैं, गम्स यानी मसूड़े, ठीक है। तो ये गम्स हैं, ये बोनी सॉकेट है। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे दो जॉ है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, जब हम बात करते हैं उस टाइम पे क्या तुम्हारा अपर जॉ मूव कर सकता है, हिल सकता है, नहीं। तो इसका मतलब हमारा जो अपर जॉ होता है वो नॉन मूवेबल होता है, लेकिन हमारा जो लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है, वो मूव कर सकता है। पैलेट क्या है स्टूडेंट्स, आप अपनी टंग को ऊपर लेके जाओ और टच करो ऊपर, ठीक है, तो आपको कुछ हार्ड फील होगा। एक तरह से तुम्हारी जो बकल कैविटी है, ये हमारी बकल कैविटी है, ठीक है, इसका साइड व्यू बना रही हूं। तो एक तरह से इसकी जो छत है ना, बकल कैविटी की रूफ, ऊपर वाली ये रूफ छत, इसको कहते हैं पैलेट, ठीक है। जो आगे वाला पार्ट है वो है हार्ड पैलेट। आगे वाला पार्ट क्या है, हार्ड पैलेट। अपनी जीभ लगा के देख लो, हार्ड फील होगा। और जीभ को थोड़ा पीछे लेके जाओगे, पीछे की साइड गले की तरफ, तो सॉफ्ट फील होगा कि वो हार्ड वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, सॉफ्टनेस फील होगी। तो जो पीछे वाला पोर्शन है, जो सॉफ्ट होता है, उसे कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। समझ में आई बात, एक तरह से पैलेट क्या है, इट इज द रूफ ऑफ बकल कैविटी। एंटीरियर पोर्शन में हार्ड पैलेट है, पोस्टीरियर पोर्शन में सॉफ्ट पैलेट है। अब ये करता क्या है पैलेट, ये हमारी बकल कैविटी को हमारी नेजल कैविटी से सेपरेट करता है, ठीक है, क्योंकि मुंह के जस्ट ऊपर नाक है ना, तो नाक से जो एक कैनाल निकल रही है वो नेजल कैविटी है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। तो बकल और नेजल कैविटी को के बीच में एक दीवार जैसी बना रहा है, कौन बना रहा है, ये पैलेट,
क्लियर हुई बात। फिर जॉ हो गए, एक अपर जॉ एक लोअर जॉ, इनमें गम्स हो गए, इनमें टीथ हो गए, ठीक है। अब जो फ्लोर है बकल कैविटी का, रूफ की बात कर दी, फ्लोर जो बकल कैविटी के एक तरह से नीचे वाला पोर्शन है, उसमें क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होती है हमारी जीभ यानी कि टंग। स्टूडेंट्स जो टंग है, अब जैसा आपको पता है कि हम लोग जब बोलते हैं तो उसमें टंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बोलने के टाइम पे, तो इसका मतलब टंग का जो एंटीरियर पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन है, वो कैसा है, फ्री है, वो मूव कर सकता है इधर उधर, ठीक है। जबकि टंग का जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसको हिला सकते हो क्या? नहीं हिला सकते। ऐसा कर सकते हो पोस्टीरियर पोर्शन को ऐसे बाहर निकाल सकते हो? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पोस्टीरियर पोर्शन बकल कैविटी के फ्लोर के साथ एक कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से अटैच्ड है। अब पूछोगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो लेक्चर बनाया है मैंने एनिमल टिश्यू का, उसको जाके देखो, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू इन सब के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो ये जो टंग है, टंग ये बकल कैविटी के फ्लोर से एक कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप से जुड़ी हुई है, ठीक है, इससे अटैच्ड है। नीचे बकल कैविटी का फ्लोर है, उससे टंग इस तरह अटैच्ड है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप है, इसको कहते हैं फ्रेन्युलम लिंगुअल, फ्रेन्युलम लिंगुअल। क्लियर हुआ? समझ आया? ओके, तो ये सारी बातें हमने कर ली पैलेट के बारे में, जॉ के बारे में, गम्स के बारे में, टंग के बारे में। अब थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे हम किसके बारे में, टीथ के बारे में। और ये जो डिटेल है टीथ की, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए, जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।